हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में वो जानेंगे कि अगर एमएस एक्सेस में क्वेरी विजार्ड में जाने के बाद से अगर हम लोग इस्तेमाल करना चाहें फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड का और फाइंड अनमैच क्वेरी विजार्ड का तो कैसे करते हैं। अच्छा, कि याद रखिएगा, पहले समझ लीजिए आखिर ये फाइंड डुप्लीकेट करता क्या और अनमैच क्या करता है। फाइंड का मतलब जैसे कभी कभी ऐसा हम लोग डाटा एंट्री करते हैं ना, तो कभी किसी के नाम से डबल एंट्री हो जाता है। हर संजन जैसे एक नाम हम चढ़ा दिए, सपोज करिए कि 100 लोग एक साथ एंट्री करना था और आज हमने 10 लोग का किया और नेक्स्ट डे जब आए तो आगे से हम करना स्टार्ट कर, लेकिन हमें याद नहीं रखे कहाँ तक किए थे कहाँ तक नहीं किए थे, एक दो एंट्री पहले से ही करना स्टार्ट कर। हर समझे ना, तो उसी में होगा क्या कि एक दो डाटा जो है वो डबल हो गया। डाटा क्या हुआ, डबल हो गया। तो अगर हम ये पहचानना चाहते हैं कहीं इसमें से कौन सा डबल वैल्यू है, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डुप्लीकेट के लिए। और उसके बाद जो अनमैच क्वेरी है, अनमैच क्वेरी का उपयोग करेंगे कि जैसे सपोज करिए कि जनवरी मंथ का अलग डेटा है और फरवरी मंथ का अलग डेटा। अभी कहा गया जैसे जनवरी का डेटा था वैसे ही आपको फरवरी में लेकर के आना, आ रहा समझे ना। तो आप सारा डेटा लेकर के गए लेकिन बाय मिस्टेक किसी एक का नाम छूट गया, आ रहा समझे ना। ये अगर जो पता करना है किसका नाम मैच नहीं कर रहा है, किसका नाम नहीं है दूसरे वाले सीट पर, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, अनमैच क्वेरी भी जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाते हैं डुप्लीकेट के लिए। टेबल को आगे ओपन किए पहले और डिजाइन व्यू हो जाएगा ना। तो सबसे पहले हम यहाँ दे दिए रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर को कर लिया हम किसमें, नंबर उसका कर लिए स्टूडेंट नेम, किसमें चला जाएगा उसका हम कर दिए कोर्स। कोर्स कैसे सिंपल रखते हैं या बना ही लेते हैं लुकअप विजार्ड में। लुकअप विजार्ड पता है ना, आई विल टाइप नेक्स्ट और टाइप कर लेंगे फिर डीएफए एडीएफए, हाँ डीसीए एडीसीए, हाँ ट्रिपल सी टैली जो भी हो, नेक्स्ट किए और नेक्स्ट करने से क्या कर लिए हो जाएगा ना। हाँ और भी डेटा देते हैं जैसे सिंपल यहाँ दे दिए सिर्फ क्या फी, फी को रख लिया किसमें नंबर हो जाएगा ना। उसके दे दिए मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर किसमें रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट, क्योंकि अगर जो नंबर में रखेंगे तो 9 अंक से ज्यादा टाइप नहीं। सेव किए और सेव करने के बाद किसमें आ जाएंगे डाटा, टाइप कर रहे हैं 101 नाम लिख दिए राहुल रहेगा ना, अगला और सेलेक्ट कर लिए डीएफए, फी टाइप कर लिए कितना 9, मोबाइल नंबर टाइप कर 102, यहाँ पे लिख दिए किसका राम, इनका कर दे डीसीए और फी टाइप कर 10। अब ध्यान रखिए हम पहले रजिस्ट्रेशन नंबर को ही डबल कर दे, बाय मिस्टेक यहीं पे हमसे क्या हो गया है 1 हो गया, हम ध्यान नहीं क्या हो गया 10 आगे आ गए। हम यहाँ पे टाइप कर दे फिर से क्या रमेश, रमेश का टाइप कर दे एडीसीए, फिर टाइप कर दे 15,000 मोबाइल नंबर। ये कितना रह गया है, फिल्ड तो हम लोग इसी में रखे हैं ना, एक्सेप्ट होने नहीं दे रहा, नंबर नहीं एक्सेप्ट होने दे रहा। क्योंकि डबल हम लोग इसको नंबर में रखे हैं इसलिए ये डबल होने नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। चलिए वो ट्राई कर लेते हैं डिजाइन व्यू में आके, इसको रख लेते हैं किसमें शॉर्ट टेक्स्ट में रख लेते हैं, नहीं शॉर्ट टेक्स्ट में रखने के बाद से डाटा से अब हो जाएगा ना। 103 तक रहने दिए और नीचे जब आ गए यहाँ कर दिए 102, डबल हो गया है ना, नाम टाइप कर दिए मुकेश डीएफए
और कितना रहेगा? चलिए ये समस्या कहां से एक बार टेबल डिजाइन में चेक कर लेते हैं। प्राइमरी के हम लोग दिए हैं ना, अब चलिए अब शायद हो जाएगा। 10 यहाँ कर लिए कितना, 101, 102, नीचे भी 102 हो गया, और उसके नीचे हम यहाँ पे कर लिए क्या 3 रहने दिए। नीचे 104 हुआ, उसके आगे हम नाम टाइप कर लिए। कर दिए ADF फी, फी कर लिए कितना 15,000, और यहाँ टाइप कर लिए नंबर। अब देखिए यहाँ भी 103 हमसे हो गया मिस्टेक से, यानी कि इसमें डबल क्या हो रहा है, 102 और 103। आगे आगे नाम टाइप कर लिए, रोहन DFA कितना कर लिए 9,000, 105, 105 पे कर दिए सोहन ADFA, और कौन सा लेकर लिया आपने ADFA और फिर टाइप कर लिया कितना हो जाएगा 100, इतना हो जाएगा ना, इतने ही तक रहने देते हैं। अब इसमें डबल डेटा कितना है, एक 102 का है और एक 103 का है। इस टेबल को हम सेव कर लिए। हाँ एक चीज ध्यान रखिए, इसके पहले जैसा भी हम बार बार टाइप कर रहे थे यहाँ पे डबल वैल्यू, तो नहीं होने जा रहा था। ऐसा पता है क्यों हो रहा था, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं टेबल डिजाइन में ना, तो एक प्राइमरी की देना होता है। क्या देना होता है? प्राइमरी की। और ये प्राइमरी क्या होता है कि जो ये बताता है इस फील्ड का सबसे जो मेन फील्ड है वो कौन सा, वो कौन दर्शाता है, प्राइमरी की दर्शाता है। आ रहा समझ में ना? तो प्राइमरी की जिस फील्ड में रहेगा उस फील्ड में डुप्लीकेट होने नहीं। तो हम किए क्या है कि वही प्राइमरी की रजिस्ट्रेशन नंबर से हटा के हम किस में कर दिए, स्टूडेंट नेम। आ रहा समझ में ना? अब अगर जो हम स्टूडेंट नेम में डबल करने जाए, सेव किए और डाटा सेट में, अगर जो हम यहाँ कर दिए 105 या 104 कर लेते हैं, यहाँ जैसे देखिए सोहन करेंगे DFA 9,000 मोबाइल नंबर, नहीं होने दे रहा है ना, इसलिए क्योंकि अब हमने प्राइमरी की किस में लगा रखा है, स्टूडेंट नेम वाले। आ रहा समझे ना? अब हम रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की तो रखे नहीं है, इसलिए अब ये डबल हो जा रहा है, लेकिन ये डबल होने नहीं दिए। हाँ लेकिन जैसे आप इसमें एक दूसरा कोई नाम चेंज कर देंगे अपने आप ही एक्सेप्ट हो जाएगा ना। फिलहाल अभी हमको ये पता करना है कि आखिर ये रजिस्ट्रेशन नंबर में कौन ऐसा रजिस्ट्रेशन नंबर है जो बार बार डुप्लीकेट होकर के आया। आ रहा समझे ना? तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो टेबल बना है उसको क्या कर देंगे क्लोज। करने के बाद जाएंगे किसमें, क्रिएट, और क्रिएट बस क्वेरी विजार्ड। जब क्वेरी विजार्ड में जाएंगे तो यहाँ पूछेगा फाइंड अन डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड, डुप्लीकेट ही फाइंड करना है ना, हम इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, तो पूछेगा टेबल आपका कौन सा है। तभी फिलहाल हम लोग का टेबल एक ही है ना, तो टेबल वन को सेलेक्ट किए और फिर यहाँ से क्या कर ली। अब यहाँ पूछेगा आखिर डुप्लीकेट आपको किस में फाइंड करना है, डुप्लीकेट किस वाले फील्ड में है, रजिस्ट्रेशन नंबर में फाइंड करना है, स्टूडेंट नेम में, कोर्स में, फी में, मोबाइल नंबर में, किस में। फिलहाल अभी हमने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया है। हाँ अभी हम लोग कोर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि कोर्स में भी हमने कई सारा कई जगह DFA रखा। आ रहा समझे ना? वो भी डुप्लीकेट बताएगा, लेकिन सबसे पहले अभी हम क्या ले ली, रजिस्ट्रेशन नंबर, और किधर कर लेंगे सेलेक्टेड फील्ड, उसका हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद देखिए एक एडिशनल क्वेरी फील्ड दे रहा है। अब ये एडिशनल क्वेरी फील्ड क्या है, जैसे अगर जो 101 क्या है, 101, 102 हो गया, फिर उसके नीचे क्या हो गया 101।
अगर हम यहाँ कुछ सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ये दोनों डुप्लीकेट फाइंड कर ले जाए, क्योंकि दोनों डुप्लीकेट है ना। लेकिन अगर हम यहाँ से कोर्स ले लें तो हो सकता है कि ऊपर वाला जो है उसका डीएफए है और जो नीचे वाला है उसका ईडीसी है, तो इसको फाइंड नहीं कर पाए। मतलब समझा रहा है ना? अगर हम एक फील्ड ले लिए तो एक फील्ड में ये दोनों डुप्लीकेट मैच करके बता देगा, लेकिन जब दो फील्ड लेंगे तो जब तक दोनों मैच नहीं करेगा तब तक डुप्लीकेट नहीं बनेगा। अगर जिसका कोर्स अलग और इसका कोर्स अलग थी डुप्लीकेट नहीं। आ रहा समझे ना? ये एडिशनली के लिए है कि यदि आप दो फील्ड एक साथ मैच कराना चाहते हैं तो यहाँ से मैच करा सकते हैं, लेकिन दो नहीं चाहिए, एक ही चाहिए। हम फिर क्या किए, बस उसी को सेलेक्ट करके यहाँ कर लिए। नेक्स्ट करने के बाद से मॉडिफाई करना है, चेक करना है, मॉडिफाई तो करना नहीं है। फिर हम क्या कर लेंगे यहाँ से, तो बता रहे देखिए 102 जो है वो दो बार डुप्लीकेट है, दिख रहा है ना? और उसके बाद जो 103 है वो कितनी बार है, दो, और 104 भी निकल जा रहा है ना। अब देखिए फिर इसको एक बार क्लोज करके और दोबारा से बताते हैं। सबसे पहले ऐसा टेबल बना रहेगा, आ रहा समझे ना? अब हो सकता है कहीं कोर्स में फाइंड करना है कितना डुप्लीकेट है, तो जब आप आएंगे किवरी विजार्ड में तो क्या उसको सेलेक्ट करेंगे, हाँ फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड, फिर क्या करेंगे, ओके करने वाले टेबल को सेलेक्ट करें, क्या करना होगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट करने वाले सब किस में जानना है, कोर्स, और यहाँ से सेंड, कोर्स डुप्लीकेट वैल्यू में आ गया है ना। फिर क्या करना है, नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने वाले एडिशनली फील्ड देना है तो सेलेक्ट कर लीजिए, और यदि नहीं देना है तो नेक्स्ट करके फिर क्या कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे। अब देखिए ये बता रहा है क्या चीज, जो वीक्स के पहले हम फाइंड किए थे ना, तो बन के आया फाइंड डुप्लीकेट फॉर डुप्लीकेट फॉर टेबल वन, तो उसी नाम से ये भी जा रहा है, आ रहा समझे ना? क्योंकि पहले से इस नाम से वही बता रहा है, एक क्वेरी नेम्ड फाइंड डुप्लीकेट फॉर टेबल वन ऑलरेडी एक्सिस्ट, डू यू वांट टू ओवरराइड दिस क्वेरी, यदि ओवरराइड करना चाहते हो उसी के ऊपर यस करिए, और नहीं तो क्लोज करके और इसका नाम फर्स्ट क्या कर लेंगे, चेंज कर, हो जाएगा ना? और फिर यहां से क्या कर लेंगे, बता देखिए जो एडीएफए है वो कितनी बार रिपीट है, दो बार, और जो सिर्फ डीएफए है वो डुप्लीकेट फाइंड कर ले जा रहा है ना। हाँ अगर जो नाम के हिसाब से पता करना है, इसके हिसाब से, नाम के हिसाब से, तो जो हम टेबल बनाए हैं ना तो पहले जो प्राइमरी की दी है किसको, नेम को, वो किसको रख लेंगे, इसको हटा करके रजिस्ट्रेशन। अब देखिए अभी होने नहीं दे रहा सिर्फ ना, ऐसा पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पहले टेबल ओपन कर लेते हैं, इस हमारा कई सारा डुप्लीकेट वैल्यू आया है ना, पहले इसको सही कर लेंगे, 101, 102, 103, उसके पास 104, 105, 106, 107, और उसके पास 10, अब इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है ना। हाँ, अब प्राइमरी की चेंज कर देते हैं, किसको कर लिए, रजिस्ट्रेशन नंबर और आगे किस पे, डाटा से हो जाएगा ना। अब इसमें देखिए सोहन का नाम हम डबल कर दिए, उसके बाद से एक और डबल कर देते हैं, किसका, रमेश का हटा करके हम राहुल कर लेते हैं, दोनों का डुप्लीकेट हो गया है ना। फाइंड करना तो फिर कहाँ जाएंगे, करिए उसका क्वेरी डुप्लीकेट डुप्लीकेट वाला सेलेक्ट करेंगे, ओके, और ओके करने के बाद से इसमें जानना है अब नेक्स्ट, फिर क्या करना है, नेक्स्ट करके नाम चेंज करना होगा ना, क्योंकि उस नाम से ऑलरेडी है, फिनिश कर दी। देखिए राहुल भी दो बार और सोहन भी दो, पता चल जा रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें, अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि अगर जो अनमैच क्वेरी विजार्ड का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करते हैं, और ये अनमैच क्वेरी विजार्ड क्या है। जैसे सबसे पहले अगर जो हम ये कहें, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, जैसे एक जनवरी का डेटा हो गया और किसका हो गया, फरवरी, तो जनवरी का सारा डेटा फरवरी पे लेके जाना होगा कि नहीं, अगर जो हम जनवरी का सारा डेटा लेकर के जा रहे हैं फरवरी पे, तो बाय मिस्टेक किसी का डेटा क्या हो गया, छूट गया,
किसी का डेटा क्या हुआ, बाय मिस्टेक टाइप नहीं हुआ, तो हम वही चाहते हैं फाइंड कर पाना। क्या कर पाना? फाइंड कर पाना कि आखिर वो डेटा कौन सा है जो छूटा हुआ। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, अनमैच क्वेरी विजार्ड। किसका इस्तेमाल करते हैं? अनमैच क्वेरी विजार्ड। चलिए उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दो टेबल क्रिएट करना होगा। कितना टेबल? तो एक टेबल वन, टेबल टू नाम से ही रहने देते हैं। डिजाइन कर लेते हैं इसका, बस रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर किस में रखेंगे, नंबर हो जाएगा ना, उस पर रख लिए स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम किस में रहेगा, सॉरी उसका हम रख लिए कोर्स। क्या हुआ लुकअप विजार्ड? हाँ एक चीज चलिए देख लीजिए, लुकअप विजार्ड हम सेलेक्ट करते हैं, और लुकअप विजार्ड सेलेक्ट करने से ये जो आई वांट द लुकअप फील्ड गेट टेबल से दिया है ना, ये टेबल्स इस बार सेलेक्ट कर लेते हैं। हर बार हम लोग टाइप कर रहे थे ना, अब टाइप नहीं करेंगे बल्कि अब टेबल से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेबल वन हमने पहले से ही बना रखा है। इसमें कोर्स वाले में है ना, नेक्स्ट किए और नेक्स्ट करने वाले नेक्स्ट, यही सारा था ना, फिर यहाँ से नेक्स्ट करके कर लिए, हमको टाइप नहीं करना पड़ा क्योंकि हम पहले से क्या कर रखे हैं, उसको बना रखे। उसके बाद हम जस्ट ले लिए फी, और फी को रख लिए किसमें, बस इतना ही टेबल रह गया, और क्लोज कर इसमें आ गए डाटा सीट में 101 नाम दे दिए, यहाँ पे कर लिए DFA 9000 फी, फिर ले लिए 102 के लिए सोहन, इनका कर दी ADFADCA, फी कर दी कितना 1503, और 103 के पास लिख दिए किसका, राकेश ADFA, और यहाँ पे कर लिए 15, 104, और 104 पे कर देते हैं बस राम ADCA, और 15। लगभग अभी हम कितने लोग का बनाया डेटा, 4 लोग का बनाया है ना। अब यही डेटा एक और हम बना लेते हैं क्रिएट, और क्रिएट पे जाने के बाद से अब इस टेबल का नाम क्या दे दिए, Table 3 ही रहने दी। आ रहा समझ में ना, या फिर सपोज कर इसको हम कर देते हैं फेब्रुवरी, ओके कर, और इस वाले टेबल को जो है वह रीनेम करके हम कर देते हैं क्या, जनवरी, यानी कि जनवरी का टेबल और ये फरवरी का। अब से वैसे ही हेडिंग रख लेंगे जैसे जनवरी पर है, क्या क्या है जनवरी वाले पर, किसका चेंज कर दिया हम, इस वाले टेबल का चेंज कर दिया। हाँ चलो इसको फिर से चेंज कर देते हैं, और इसको रिनेम कर देते हैं Table 2, और इसको क्या कर ली, आ गया है ना जनवरी का ये और ये फरवरी, तो यहां पर दे दी इसको चेंज करके क्या, हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, रेट नंबर हो गया, सही है ना, एक इसमें चला जाएगा नंबर में चला। उसके पास क्या दिए हैं स्टूडेंट शॉर्ट टेक्स्ट, उसके पास क्या दिए हैं कोर्स, हाँ लुकअप विजार्ड में रखे थे ना, लुकअप विजार्ड ये टेबल से ही सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट कोर्स वाले में है ना, नेक्स्ट करने के बाद से नेक्स्ट, और उसके बाद से फिनिश हो गया, अपने आप आ जाएगा सॉर्ट, क्योंकि वो लुकअप पहले से, लुकअप विजार्ड लेने के बाद वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जा रहा है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट भी किसमें है, सॉर्ट टेक्स्ट में ही है ना, अपने आप वो किसमें आ जाएगा टेक्स्ट में। उसके बाद जस्ट ले लिया क्या फी, फिर किसमें चला जाएगा, बस इतना ही डेटा है ना, सेव किए और फिर किसमें आ गए डाटा सेट। अब यहां पर कर लिए 101, ये काम करते हैं लिखने से बेहतर है ना, उसी को कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। देखिए 4 डेटा है ना, 4 में से हम एक को छोड़ दिए और 3 को क्या कर लिए कॉपी, और इस वाले टेबल पे लाकर क्या कर लिए,
ऑलरेडी है, कह रहा है इंटर वैल्यू। अच्छा, जब तक वैल्यू टाइप नहीं होता तब तक आगे नहीं बढ़े, पेस्ट कर दिए। एक ही का आएगा क्या? चलिए एक ही खिला लेते हैं हम लोग कॉपी, और यहाँ ला कर क्या कर ली, दो हो गया, और फिर यहाँ से ये चार वाले लेते हैं, बीच वाला छोड़ देते हैं। हो जाएगा ना? अब जो जनवरी का टेबल है, जनवरी के टेबल से फरवरी का टेबल सारा मैच करा, बस एक डेटा नहीं आ रहा, समझ में ना? अब हमको यही पता करना है कौन सा टेबल ऐसा है जो इसमें नहीं है। तो जनवरी और फरवरी दोनों टेबल बनाने के बाद क्या कर लेंगे, क्लोज कर देंगे। हो जाएगा ना? और फिर किसमें चले जाएंगे, क्रिएट, और क्रिएट बस क्वेरी भेजा, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे फाइंड अनमैच क्वेरी भेजा, इसको सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे। अब आपको सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले कौन सा टेबल है, तो जनवरी का। नेक्स्ट सेकंड पे कौन है, फरवरी का। अब इन दोनों में किसके हिसाब से मैच कराना है, अगर जो स्टूडेंट नेम चाहिए तो नेम को सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा ना? रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए तो रजिस्ट्रेशन नंबर को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आ गया है ना मैचिंग फील्ड में, क्या क्या है मैचिंग फील्ड में, रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर रजिस्ट्रेशन, यानी कि एक जनवरी का टेबल और दूसरा फरवरी, दोनों में किसके हिसाब से मैच कराना है, रजिस्ट्रेशन नंबर। नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद से अगर आप चाहते हैं और कोई इसके बाद से फील्ड देख पाना, सबको देखना है ना, सेलेक्ट कर फिर करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद से बता रहा बस ये कौन सा डेटा डुप्लीकेट है, ये अनमैच नहीं कर रहा है, 103 वाला राकेश एडिया पे और। तो क्या दोनों में हम यही छोड़े थे ना, जो जनवरी पे फरवरी वाले पे कौन सा नहीं है, 103 वाला ही नहीं है, तो मैच करके बता दिया कि ये बस मैच नहीं कर रहा है, बाकी सारा डेटा मैच कर ले। हाँ, कैसे कि एक बार और रिपीट कर ले रहा, कर दे रहा है, समझ लीजिए। तो सबसे पहले ऐसे दो टेबल बन जाएगा ना, टेबल कैसे भी हो सकता है, बस हमको ये पता करना है कि कौन सा फील्ड जो है वो मैच कर रहा है और कौन सा मैच नहीं कर रहा। जो मैच करेगा वो दिखाई नहीं देगा, जो मैच नहीं करेगा वो अलग करके दिखा देगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम कहाँ पे आ गए, क्रिएट, और क्रिएट के बाद से क्वेरी भेजा, क्या सेलेक्ट किए हैं, फाइंड एंड मैच क्वेरी विजार्ड। ओके, पहले टेबल को सेलेक्ट कर क्या कर ली, फिर दूसरे टेबल को सेलेक्ट करके नेक्स्ट। अब रजिस्ट्रेशन नंबर को मैच कराए थे ना, अब स्टूडेंट नेम को मैच करा लेते हैं, स्टूडेंट नेम आ गया है ना। अब पूछ रहा है कि अवेलेबल फील्ड और सिलेक्टेड फील्ड, जहाँ कह रहा है व्हाट फील्ड डू यू वांट टू सी द क्वेरी रिजल्ट, रिजल्ट में आप सिर्फ किसको देखना चाहते हैं, अगर सिर्फ नेम देखना चाहते हैं तो नेम को सेलेक्ट कर लें, बस नाम मैच नहीं करा वही दिखाएगा, हम चाहते हैं सारा हेडिंग दिखाई दे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सारे के बारे में आ गया है ना, और इसके लाने बस क्या करेंगे नेक्स्ट, और उसके बाद से अब ये देखिए कह रहा है कि द टेबल क्वेरी जनवरी, यानी कि ये पहले से ही है विदाउट मैचिंग फरवरी, दिख रहा है ना, ओवरराइड करना है तो कर लीजिए, यस आ गया है ना, 103 है, राकेश है, एडिया पे और हो जा रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, अब एक काम करते हैं, अब फरवरी वाले पे एक डेटा बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 105 किए और यहाँ पे कर लिए किसका नाम, रोशन कर लिए, और रोशन का कर दिए डीएफए, और इन कर दिए कितना, सेव कर लिए। अब देखिए जो जनवरी का डेटा है फरवरी के डेटा सारा डेटाबेस मैच कर रहा है, तो मैच नहीं कर रहा है ना, अभी हम ऐसे देख ले रहे हैं, कम डेटा है तो देख लेंगे, लेकिन अगर यही ज्यादा डेटा हो तो कैसे पता करेंगे, वही तरीका क्वेरी विजार्ड फाइंड एंड मैच, पहला टेबल दूसरा टेबल किसके हिसाब से मैच कराना है, रजिस्ट्रेशन नंबर ही ले लिए, मैचिंग फील्ड पे क्या कर दिए, आ गए यहाँ पर ना, नेक्स्ट किए, सारा फील्ड देखना है, सारा फील्ड ले लिए नेक्स्ट, और यहाँ से क्या कर लिए, नाम पहले चेंज कर लेते हैं और यहाँ से फिनिश कर लिए, बता रहा ना पहले टेबल दूसरे टेबल का डेटा कौन सा मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, अगर जी यही सबसे पहले अगर हम सेलेक्ट कर लिए होते टेबल 2 यानी कि फरवरी वाला, और फिर क्या करेंगे, अब जनवरी को सेलेक्ट करके तो क्या 103 वाला लेके आएगा, तो
तब कौन सा लेके आएगा, ध्यान रखिए, तब यहाँ पे लेके आएगा 105, क्योंकि अब जो फरवरी का डेटा वो जनवरी के टेबल से मैच नहीं हो जाएगा ना। तो अगर जो ये डुप्लीकेट और अनमैच करी दोनों का इस्तेमाल करना कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? तो ये आज आप लोग ट्राई करिएगा। और हाँ ध्यान रखिए, अब हम लोग को ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, अब आगे हम लोग को पढ़ना इसमें क्या है, एक्सटर्नल डाटा टाइप पढ़ना है, ये वाला डाटा टाइप आ रहा समझे ना। और डाटा टाइप के पास जब आगे आएंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, डाटा बेस। अब इस डाटा बेस टूल से हम लोग पढ़ेंगे ये रिलेशनशिप, यानी कि दो चीज और हम लोग को पढ़ना है, कौन कौन सा, एक्सटर्नल डाटा और दूसरा हम लोग पढ़ना है रिलेशनशिप। क्लियर है ना? तो अगर जो आज आप लोग लैब में जा रहे हो और जो पहले हो जा रहा है, तो अभी तक आप लोग जितना पढ़े वो सारा ट्राई कर लीजिएगा, जो नहीं हो पाएगा, जो नहीं समझ में आएगा, उसको अगली क्लास में आकर जरूर पूछ लीजिए। आ रहा समझे ना? क्योंकि याद रखिए, कहीं भी जाएंगे बाहर और जो काम करने, तो ज्यादातर इसका यूज होता है एक्सेस का। आ रहा समझे ना? और जो लोकल में काम करेंगे तो एक्सेल या फिर ये अकाउंटिंग का काम हो, लेकिन अगर जो कहीं बाहर में काम करने के लिए जाएंगे, सपोज के फॉरेन में चले गए या कहीं बड़ी कंपनी में चले गए बाहर बाहर में, तो सबसे ज्यादातर एक्सेस का इस्तेमाल होता है। और मेल करने के लिए आप लोग जीमेल पढ़े हैं ना, तो जीमेल का यूज नहीं होता है, आउटलुक का यूज होता है, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले। आ रहा समझे ना? तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी समझ में नहीं आएगा उसको नोट करके अगले क्लास में जरूर पूछ लीजिए। क्लियर है ना?